इस बार मैंने ये बोला, मैं सर या आप मेरे ड्राइंग स्कूल में आ जाओ, यहाँ बच्चे होते हैं, इनको थोड़ा तालीम दे दो, इनको थोड़ा समझाओ, रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस दे दो इनको। वहाँ से बोलता कि आप ये वहाँ पे पैसा लगता है, हमारा आना पैसा लगता है। मैंने ये ड्राइंग स्कूल सलमान उस्मान खोला यहाँ डोडा में, इसमें मशीनें लाई, फुली डिजिटल लाया मैंने। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर सागर साहब आए थे, बड़ी तारीफ हुई थी यहाँ के केस अफसर बहुत सारे जो हमने किए, कुछ जजेस भी हमने ट्रेंड किए यहाँ पे, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं लाइसेंस रिन्यू के लिए जा रहा हूँ बार बार, और मुझे इसने जम्मू भेजा। जम्मू से RTO ने बोला कि ये बैकलॉग डोडा में हुआ है, आप डोडा में निकालें। अब मुझे 20 दिन हो गए इनके पीछे आगे चलते हुए, नहीं दे। एक बार मैंने RTO को बोला, सर मुझे प्रिंट तो दो निकाल के, मेरा एक्सपायर हो रहा है लाइसेंस, मैं ड्राइंग स्कूल में क्या रखूँ। ये बोलते हैं उधर से, आप बाहर निकल जाओ, यहाँ से हमारे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। मुझे समझ नहीं आई, ना ही मैं मेरे पास और कोई कागज़ था, ना ही मैं कुछ काम करने गया था। एजेंटों का काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। और मैं इस इदारे से जुड़ा हुआ हूँ, आज मैं बिल्कुल दिल टूट गया है मेरा। मैं चाहता हूँ कि ये ड्राइविंग स्कूल का जो है, मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा है ड्राइविंग स्कूल में। अब आर्मी का प्रोग्राम हमें हर साल वो 20 बच्चे देते हैं हमें ट्रेंड करने के लिए, सद्भावना प्रोग्राम के तहत हम करते हैं उस प्रोग्राम को कंटिन्यू। तो सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ, रश बहुत होता है, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, मतलब बड़े बड़े टीचर्स हो। अभी भी इस वक्त मैडम जो है टीचर है यहाँ पे लगी हुई, काफ़ी रश होता है यहाँ पे। मगर आज मुझे एहसास हुआ कि 20 किलोमीटर कोई ड्राइविंग स्कूल में नहीं देता है। हमें ये है कि डोडा में पक्का ड्राइवर बना दें, कोई एक्सीडेंट से फ्री हो जाए डोडा। ये मिशन लेके मैं आया था यहाँ पे, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा धचका लगा इन RTO ऑफिस की तरफ से कि इसने मुझे बोला कि आप बाहर निकल जाओ यहाँ से। लाइसेंस तो मेरा अप्रूवल है, ये लाइट व्हीकल हैवी और इसका हैवी पैसेंजर का अप्रूवल हुआ है कमिश्नर ऑफिस से, लेकिन इन्होंने बैक लॉक में कोई गड़बड़ी की है। वहाँ पे इन्होंने मुझे एक ही कागज़ दिया हुआ है, और RTO जम्मू ने 2 सेकेंड में उन्होंने मार्क किया था कि इसका काम इमीडिएटली अंडर रूल कर दो वहाँ पे। लेकिन जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने वो कंप्यूटर खोला, उन्होंने बोला ये डोडा में बैक लॉक हो गया है। फिर RTO साहब ने लेटर भेजा इनके लिए यहाँ पे, RTO साहब ने लेटर भेजा कि आप इमीडिएटली इसका काम कर दो और इसको फारिग कर दो। फिर भी लगभग कोई 15-20 दिन में कंटिन्यू चलता गया। आखिरकार मुझे जब सख्ती आई, मैं चला गया, मैंने कहा सर मुझे दो कम से कम, मुझे कॉपी तो दो निकाल के प्रिंट। बोलता दफ़ा हो जाओ मेरे RTO ऑफिस से। मैंने कहा सर यहाँ तो बैठते हैं, या तो सारे बैठते हैं, यहाँ तो एजेंट होते हैं कुर्सियों पे, वो बैठते हैं उनको दफ़ा करो। सर मैं तो अपने काम से आया हूँ, मुझे तो कम से कम ये प्रिंट दे दो आप अपने, मुझे अपना ड्राइविंग स्कूल चलाना है। बोलते नहीं निकलो, आप इसी लायक हो, आप इसी लायक हो। मुझे समझ नहीं आई मैं किस लायक हूँ, आज मुझे पता लगा। इसलिए मेरा दिल टूटा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ आगे इस ड्राइविंग स्कूल का। डोडा वालों के लिए हमने सोचा था, डोडा पब्लिक के लिए सोचा था कि यहाँ पे अच्छा निज़ाम चले, हमें क्या, हम कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, हमारे पास कोई परेशानी नहीं है। नहीं है, मेरा मेरा कोई नहीं है, कोई इसके साथ कोई ज़िद्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक था, परसों तक ठीक था, जब तक बाहर मुझे निकाला बिल्कुल ठीक था, मेरे साथ अच्छी तरह बोलता था। इस बार मैंने ये बोला, मैं सर या आप मेरे ड्राइविंग स्कूल में आ जाओ, यहाँ बच्चे होते हैं, इनको थोड़ा वो दे दो, तालीम दे दो, इनको थोड़ा समझाओ, रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस दे दो इनको। वहाँ से बोलता कि आप ये वहाँ पे पैसा लगता है, हमारा आना पैसा लगता है। मैंने कहा सर ये कौन सी बात कर रहे हो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये लोगों को अवेयरनेस करूँ यहाँ पे, किसी किसी जगह पे भी लगा दूँ। मगर इन्होंने बोला नहीं, उसमें अगर हमें आना होगा तो उसमें पैसा लगता है। मैंने कहा ठीक है। क्या ये देखिए, मैं डी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये देखिए इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग आपके सामने है, ये देखिए। मुझे समझ नहीं आती है ये मेरे लाइसेंस को क्या हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे लाइसेंस को क्या हुआ। ये देखिए, ये पुराना लाइसेंस है,
जो कमिश्नर ने अप्रूवल किया और आरटीओ जम्मू ने दिया हुआ है ये लाइसेंस। और ये लाइसेंस देखिए, मैंने तो उस वक्त आरटीओ साहब को बोला, मैंने मुझे लगता है ये डुप्लीकेट है। बोलता नहीं, ये प्रिंट ही ऐसा है, ये ऐसा है, ये ठीक है, आप जाओ लेना है लो, नहीं लेना है तो बाहर निकल जाओ। उस वक्त भी उसने बोला लेना है लो, नहीं तो ये इधर रखो और बाहर निकल जाओ।